कुछ ऐसी करनी कर चलो, हर दुनिया गावेगी। समझदार के लिए दो पंक्ति इतनी अनमोल है, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख दीना दुख होत है, सुख दीना सुख होत। और मेरे गुरु महाराज ने तो इतना तक कहा था कि बेटा कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नियम अपना लो, सुबह जो भी आपको मिले आपको ऐसी बात करो, इसी को रामेश्यामा करो कि आज सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। एक बार उसकी आत्मा खुश हो जाए, ऐसा नहीं कि शब्दों का बाण आर पार हो जाए, उसकी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो कैसे भी करके, इतने प्यार से उससे बात करो, आपका पूरा दिन पूरे दिन की भक्ति सफल। और प्रभु के नाम के लिए तो देखो, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरि हर गाइये, हो गई पूजा। लेकिन सबसे बड़ी हरी हसी हसी मीठो जग में बोलो हसला, फिर तो मिला ला हसी हसी तो जग में बोलो तूने जीती बाजी हारी क्या, और जुबान जेड़ी मीठी जगत में जुबान जेड़ी खारी क्या, साधु होकर तप नहीं जाने वो साधु तप धारी क्या, और ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या, विधवा होकर सुरमू सारे उसने ममता मारी क्या, और अपने पति को जहर दे मारे वो पतिव्रता नारी क्या, राजा होकर हक नहीं जाने वो राजा हकदारी क्या, और अपने मित्र से कपट चलावे उस कपटी से यारी क्या। जिस नगरी में न्याय नहीं, जिस नगरी में न्याय नहीं उस नगरी में रहना क्या, और कहे मच्छंदर सुन जति गोरख ना माने उसे कहना क्या। इसलिए ओ हंसी हंसी तो जग में बोलो हसीना मिला ला
मेरे परिवार जनों, हालांकि ये मोदी जी बोला करते हैं आजकल, पहले तो भाई बहनों में बोलते थे, आजकल मेरे परिवार जनों, तो मैं भी इस शब्द को यहां उपयोग में ले लूं तो कोई बुरा ही नहीं है ना। इस भजन का अगर पहला अंतरा भी दिल से समझ लिया, पूरी रात जगना सफल है। पाण पुरानी जल नहीं एक हंसलो बैठे हो आई, प्रीत पुरानी कार ने वो चुन चुन कंकर खाई, कोई जुगा पुराणो तलाव व्या करतो भी मैं हजारों हंस ला रिया करता और मोती चुगण अपनो पेट पूर्ण किया करता। लेकिन एक दिन समय यान को आई गयो कि भी तलाव रो पानी सूख गयो, सारा हंसला उड़ गया, लेकिन एक हंसो भी सूखा तलाव की पाल पर जान बैठ गयो। एक दिन हुयो, दो दिन हुया, तीन दिन हुया, हंसो तो उड़े ही नहीं। जदि वो तलाव मन में विचार करो, काई बात है, हंसो बीमार है या पाखड़ा में दम नहीं है, हंसो उड़े क्यों नहीं? तो वो तलाव भी हंसा ने पूछने लाग गयो, हे भाई, अब मारे में इन्हें पानी ले रियो और थने मोती नहीं मिलेला, थारा प्राण चला जासी, जी प्रकार थारा परिवार का लोग गया, तू भी उड़ जा क्यों? जदे वो हंसो जवाब दियो, हे बीरा, हे भाई, थारे ही तो पानी में जन्म लियो और थारा ही पानी में मोती चुगर में बड़ो हुयो, और आज थारे में इन्हें भीड़ पड़ी तो मारो धर्म नहीं है, मैं तने छोड़ चले हो जाओ। ताली बजाओ, क्या बात है, आज मारो धर्म नहीं है कि मैं तने छोड़ चले जाऊं, बिलकतो हुयो तलाव रे पेटा में चले हुयो और बटे जार कांकरा ने मोती समझ चुगो शुरू कर दिया। जदे तलाव विचार करियो हंसरा प्राण चला जासी, तो परमात्मा ने अरदास करी, हे भगवान, मारे वास्ते नहीं, ये हंसारे वास्ते आपने बरसण पड़ेला। और परमात्मा तो दीनारा दातार है, भगवान के घरे देर अंधेर नहीं है। भगवान हंस और भी तलावरी प्रीत पर इतना बरसा कि तलाव पानी से वापस भर गयो और फिर हजारों हंसा केड़ करने लगा। कहने रो मतलब यो है हमारे सजना कि आपा भी तलाव रूपी परिवार में ही जन्म लिया, भी तलाव रूपी गांव, तलाव रूपी परिवार, भी तलाव रूपी माता पिता में आपा जन्म लिया वहां के चरणा में, तो एक दिन वाकई में इन्हें भीड़ पड़ जाओ, आपनो धर्म नहीं कि भागर सूरत अजा